आज 3 सितंबर 2024 है और आज ईशुआपुर में झंडा का मेला है जिसका तैयारी पूरा हो गया है। और यहाँ क्या मैं सारा सीन दिखाऊंगा, कितने जगह स्टेज लगा हुआ है अखाड़ा के लिए, यहाँ पे कंपटीशन होता है डांस पार्टी का, तो आप लोग वीडियो में बन रहे हैं, मैं आप लोगों को सारा डिटेल बता रहा हूँ। आज मैं ईशुआपुर में आया हूं और आज 3 सितंबर 2024 है, आज ईशुआपुर में झंडा का मेला है जिसका तैयारी पूरी कर ली गई है। और ये जो सीन आप लोग देख रहे हैं ये कुसौली है, कुसौली का जो बजरंगबली का स्थान है यही है, और यहीं से कुसौली के लोग अपना झंडा का जुलूस निकालते हैं और निकाल के पूरा मार्केट में घुमाते हैं, फिर अपने स्थान पर जहाँ उनका स्टेज बना होता है वहाँ पर जा कर वो अपना प्रोग्राम करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारा डिटेल दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या तैयारी हुआ है। अभी आप लोग जो सीन देख रहे हैं ये कुसौली का है और यहाँ पे मेला जैसा सीन लग गया है। रात होते होते यहाँ पूरा भीड़ लग जाएगा, यहाँ से आगे अगर जाना होगा तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और मैं आ गया हूँ ईशुआपुर मार्केट के सबसे उत्तर साइड में और ये एक नंबर अखाड़ा का स्टेज बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ईशुआपुर के सबसे उत्तर का ये सीन है। इस अखाड़े के स्टेज के ऊपर एक नंबर अखाड़ा लिखा हुआ है और ये अचितपुर का अखाड़ा है, यहाँ पे वो लोग अपना प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम रात भर चलेगा, जो इस अखाड़े के प्रोग्राम में जीतेगा वही इस मेले का विनर होगा 2024 का, तो देख सकते हैं। और फिर मैं आ गया ईशुआपुर के मार्केट में जहाँ पे फल का मंडी लगता है वहाँ का सीन है, और ये पता नहीं कौन से गाँव का अखाड़ा है, इस पर नाम नहीं लिखा है। और यहाँ पर आप लोग बगल में देख सकते हैं एक बड़ा सा मंदिर है और वहीं पे प्रशासन लोग का व्यवस्था हुआ है, तो मेला में आए तो शांति बना के और शांति से और अपने सामान का जिम्मेदारी आप खुद करें और प्रशासन का जहां तक हो सके आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि साथ देंगे तभी ये मेला सफल होगा। और यहां पे भी काफ़ी अच्छा स्टेज बना हुआ है और इसके आगे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो बन रहे, पूरा मेले का सीन में लिया और आप लोग की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सारण पुलिस तैनात भी है। अगर रात में आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना जो भी वाहन हो, साइकिल हो, बाइक हो, ये वो मेला से कम 1 किलोमीटर पहले ही आप लोग कहीं खड़ा कर दें, क्योंकि मेला में लाएंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, यहाँ पे चलने का जगह नहीं होता है, पैदल भी चलिएगा तो बहुत मुश्किल से चला जाता है पैदल। अभी आप लोग देख रहे हैं कि सड़क खाली है मगर जैसे जैसे समय बीतेगा तैसे तैसे यहाँ पर लोग भर जाएंगे, पूरा भीड़ हो जाएगा। और फिर मैं आ गया यहाँ पर बीच मार्केट में जहाँ पे पुराना अपना थाना था ईशुआपुर का, वहाँ पे ये अखाड़ा है और इसके आगे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ भी प्रशासन की व्यवस्था है आप लोगों की सुरक्षा के लिए, सारण पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी। और ये भी अखाड़ा का ही है और यहाँ पर मैं आ गया एक और अखाड़ा के पास, और ये अखाड़ा है, एक गाँव है ईशुआपुर के बगल में 87 गाँव, उन्हीं लोगों का ये अखाड़ा है, यहाँ पे पूछने के पता चला कि 87 गांव का अखाड़ा है, ये भी काफ़ी अच्छा ये लोग प्रदर्शन करते हैं। अब देखते हैं कि इस मेला में कौन विनर होता है, कौन जीतता है 2024 का जो भी प्राइज है वो। और इसके आगे मैं आप लोग को कुसौली का अखाड़ा दिखाऊंगा जो कि काफ़ी फेमस होता है, ये कुसौली का अखाड़ा है, हर बार इन लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहता है, इस बार देखते हैं क्या प्रदर्शन रहता है। कुसौली के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के इस अखाड़े में हिस्सा लेते हैं और झंडा को मेला को सफल बनाने में इन लोग का काफ़ी योगदान रहता है, ये कुसौली काफ़ी भव्य अखाड़ा है। अब आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों को मैं देते रहूँगा, बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। मैं सोचा कि मेला में जाने से पहले ही मेला की व्यवस्था आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मेला के बाद पता नहीं मेला के समय भी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहेगा और म्यूज़िक बजेगा तो कॉपीराइट आने का डर रहेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।